राम राम भाई सभी को। तो 4:30 बज रहे हैं और मैं आ चुका हूँ ग्राउंड पर एक्सरसाइज के लिए। हाँ गाइस आई एम रनिंग स्लोली स्लोली। गाइस तो मैं बाला जी आ चुका हूँ और बाला जी को प्रणाम करने के बाद अब मैं अपनी एक्सरसाइज करूँगा। 5 मिनट की स्लो रनिंग के बाद अब मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, तो वो भी लगभग 10-15 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं अपने घर की ओर निकलूँगा। दोस्ती है ना वो घर भी खुला हूँ तुम्हारे सीख पाऊंगा तो मैं चलो डंडा पार्किंग पे चलता हूँ। देख सकते हैं भाई, सुबह सुबह से क्या माहौल हो रखा है। थोड़ी सी धुंध सी छा रखी है क्योंकि बगल में जो नहर है ना उसका वाष्प निकलता रहता है यहाँ, और कुछ नहीं है भाई। ठंडी तो है ही पर ठंड नहीं देखते हैं। अभी बीच में जुखाम हो गया था पर जुखाम जुखाम की ऐसी तैसी ही, जुखाम क्या कर लेगा हमारा। ये आ रहा है कोई ट्रक। अब हम करने जाए थोड़ा सा वेट। ये पत्थर लगभग 10 किलो का है, 10 या 15 का, क्योंकि छोटा है ना इस वजह से, कंक्रीट का इस वजह से। देखता हूँ भाई मैं कितनी देर तक टिक सकता हूँ। One, two, three.
आज का वर्कआउट हो गया भाई ख़त्म, तो अब चलते हैं घर की ओर। घर आ चुका हूँ। तो गाइस, तो मैं जा रहा हूँ करने अपना ब्रेकफास्ट इन चने, सोयाबीन और मूंगफली से। गोइंग टू माई डेस्टिनेशन एंड राइज इज नाउ गाइस, सो आई हैव रीच्ड ऑन माई डेस्टिनेशन। सो गाइस, तो आज मैं आ चुका हूँ। आई एम लुकिंग टुडे तो मैं जा रहा हूँ घर और मैंने कर दिया यहाँ पे साइन। अब बज रहा है 12:15 PM। रामा रटते रटते रामा रामा रटते। वो मेरी BMW खड़ी है और इसकी चाबी लगा ली हमने। हेलो गाइस, तो मैं पहुँच चुका हूँ घर, बस कुछ ही देर में मेरा गेट आ जाएगा। शायद कोई आया है मेरे घर पे, डायरेक्टली एंटर। हेलो गाइस, तो माता श्री ने लंच के लिए बनाया है मटर फ्राई। इज माय लंच नाउ। हेलो गाइस, तो मैं और मेरे दोस्त एग्ज़ाम सेंटर देखने जा रहे हैं, तो इस वजह से मैं अपने दोस्त के गांव जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी साइकिल पंचर हो गई है, उसको लेना है। हेलो गाइस, तो ये है आबादी चिलौली। तो हम लोग इंटर कॉलेज के अंदर आ चुके हैं, ये हमारा सेंटर है और ये मेरा। हेलो गाइस, तो इसमें काफ़ी सारे कमरे हैं, तो Gracias.